मीरा भाईंदर महानगर पालिका में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया है। महिला बाल कल्याण समिति के सभापति पद पर हमारी नगर सेविका वंदना मंगेश पाटिल वो सभापति बनी है और सुनीता भोईर वो उपसभापति बनी है। और तीसरा और एक इलेक्शन हुआ है परिवहन कमेटी का। परिवहन कमेटी में हमारे दिलीप जैन परिवहन कमेटी के चेयरमैन हो चुके हैं। दिलीप जैन जी तीनों इलेक्शन आज भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। फिर एक बार बीजेपी का झंडा मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने लहराया है। माननीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना तीनों को परास्त कर दिया है। परिवहन समिति के सभापति दिलीप जैन जी और महिला बाल कल्याण समिति की सभापति वंदना मंगेश जी, और यहाँ पे पूर्व यानी कि पूर्व जो है परिवहन समिति के जो पूर्व सभापति हैं मंगेश पाटिल जी वो भी दिख रहे हैं। सर चुनाव हुआ, आप आ गए, अभी परिवहन समिति इनके पास थी, अब आपके पास आएगी, किस तरह की सेवा देंगे? देखो 2009 के बाद में परिवहन सेवा बंद थी, लास्ट ईयर से चालू हुआ। मंगेश पाटिल साहब ने इसको सुरक्षित करने के लिए बहुत काफ़ी प्रयास किया। कोरोना काल के वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए, अभी सबके साथ से सबका साथ लेके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधा पहुँचे ये काम हम करने जाएंगे। इनके परिवहन कार्यकाल में तो बहुत सारे हंगामे हुए, बहुत सारे उलट पुलट हुए, कुछ आरोप लगे, कुछ प्रत्यारोप लगे, अब जाके कहीं थमा है। अगर ऐसा ही आपके साथ हुआ नहीं, तो किस तरह से चलेंगे, चूंकि ये मीरा भाईंदर के पब्लिक के लिए जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा करने का प्रयास मंगेश पाटिल साहब ने किया। हम लोग सब साथ में थे, हमने कोरोना काल में भी बसेस की व्यवस्था सब रखी थी, और जो भी उल्टा पुलटा हुआ होगा उसको हम लोग कभी भी मतलब हम लोगों का उसको सपोर्ट नहीं था, हम लोग अच्छा काम करने के लिए साथ में थे। और पाटिल साहब ने लास्ट पूरे कार्यकाल में कोरोना काल होते हुए भी सब जगह बसेस की व्यवस्था की थी। मीरा भाईंदर में आने वाले दिनों में बसेस के जो इशूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, खास करके मीरा भाईंदर की जनता को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं आवे, अभी इसको हम लोग सूर्य कितना चल सकता है ये हम लोग सब लोग ट्राई करेंगे। दोस्तों नव नियुक्त दिलीप जैन जी हैं परिवहन सेवा समिति के जो सभापति हैं, और इनके साथ साथ महिला बाल कल्याण समिति की सभापति दोनों हैं। दोनों ने अपनी जिम्मेदारी आज से उठा ली है, और दोनों ने कहा है कि वो महिला बाल कल्याण से संबंधित जो भी इशूज होंगे उसको वो पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन्होंने तो कहा कि हम ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि परिवहन समिति में कोई इशू हो और उसको सॉल्व करना पड़े, यानी कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनके नेतृत्व में इन दो डिपार्टमेंट के लोगों को सुविधा जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नव नियुक्त वंदना मंगेश पाटिल जी हैं, जिनको महिला बाल कल्याण समिति का जो है सभापति बनाया गया है। ये बहुत ही जिम्मेदारी का पद है मैडम, महिलाओं से और बच्चों से जुड़ा हुआ मामला होता है इस पद के लिए। मीरा, आपको सबसे पहले तो मेरी तरफ से सिटी हेडलाइंस न्यूज की तरफ से बधाई, ये पद मिला है, तो किस तरह से मीरा भाईंदर की महिला और बाल कल्याण के लिए काम करेंगी बताइए। जो मतलब पद आता बाल कल्याण समिति सभापति पद दिले त्याबद्दल मी सर्व नगर सेवक म्हणजे महापौर मॅडम, माजी आमदार नंदी मेहता साहेब, जिल्हाध्यक्ष आमचे हेमंत म्हात्रे साहेब आणि माझी सर्व बी जे पीची टीम आणि माझ्या बालकल्याण समितीच्या सभासद त्यांचे पहिला मी धन्यवाद करते की त्यांनी मला ह्या पदासाठी नियुक्त केली आणि ही जिम्मेदारी माझ्यावर सोपवली, त्याबद्दल मी माझ्या सभागार नेता उपमहापौर यांचे सर्वांचे मी धन्यवाद करते की मला त्यांनी ह्या पदासाठी नियुक्त केले। आणि ज्या काही सुविधा आहेत त्या सुविधा मी आम जनतेपर्यंत कशा पोचल्या जातील ह्याकडे मी जातीने लक्ष देईन आणि त्या सुविधांचा त्यांना कसा लाभ होईल ह्याकडे मी त्यांचा माझ्या सदस्य आणि मी आम्ही मिळून सगळ्या काम करू आणि आमच्या जे वरिष्ठ आहेत त्यांचा तर मला सपोर्ट राहीलच आणि जे काही आहे त्यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न करेन। एवढं बोलून धन्यवाद। मीरा भाईंदर में ये हकीकत है कि आप बहुमत में हैं,
तो आपकी ही पार्टी के लोग जो है चुने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन दिनों मीरा भाईंदर में कई पार्टियां जो जिनके अभी आप नाम ले रहे हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हो रही हैं। आने वाले दिनों में क्या है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी फिर आ पाएगी या कम ज़्यादा होगा? अगर मैं ध्रुव किशोर पाटिल जी से पूछूं तो 100% आपकी बात सही है, वो कितना भी करें लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी में फुट नहीं डाल सकते। हमारी भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अपना झंडा लहराएगी। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आए दिन ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। रूमर क्या भारतीय जनता पार्टी दो नहीं, जरा भी नहीं, दो एक ही है और एक ही रहेगी। ये सिर्फ रूमर्स है और ये जो अपोजिशन पार्टी ने जो फैलाया हुआ एक या वातावरण दूषित करने के लिए ये है, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी एक ही रहेगी। तो दो